हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 400 क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ओके। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में आपको गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और एक बार सभी बच्चे जो भी वीडियो देखते हैं प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लें। अगर किसी कोई मिस्टेक होती है वीडियो में, बच्चे बताते भी हैं, तो उसको ना वहाँ पे करेक्ट करवा दिया जाता है। तो प्लीज़ एक बार जो भी बच्चा देखे तो कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक करें, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, आप जल्दी से पढ़ लीजिएगा और खुद से देने की कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ओके। देखिए फर्स्ट है, पेंसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो पेंसिलिन जो थी कहाँ से प्राप्त की गई थी, फंगस से। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन, एंटीजन का इफेक्ट क्या होगा किसी बीमार व्यक्ति में, तो राइट आंसर हो जाएगा इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। Which among the following element increase the absorption of water and calcium in plants? तो right answer हो जाएगा boron increase the absorption of water and calcium in plants. ठीक है, next देखिए, which wood will become useless soon after exposing in the open air? तो right answer हो जाएगा wet wood, C option. Which among the following is a large spectrum antibiotic? Ampicillin. सी ऑप्शन। आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ, तो किसके बने होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ट्राई कैल्सियम फॉस्फेट, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो किससे प्राप्त की जाती है अंगोरा वूल, तो राइट आंसर हो जाएगा अंगोरा रैपिड से प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट वुमेन इजीली दैट ऑफ मैन, तो राइट आंसर हो जाएगा हार्ट अटैक। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ब्रेन, व्हाट इज द लिमिट ऑफ MGDL ऑफ ब्लड शुगर इन द नॉर्मल पर्सन एट द टाइम ऑफ फास्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मल जो होता है नॉर्मल पर्सन में 70 to 100। ठीक है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्टेम ऑफ ट्री हैज 50 रिंग्स, व्हाट इज द एज ऑफ द ट्री, तो राइट आंसर हो जाएगा 50 ईयर्स। ऑनियन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टैम। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बहुत बार बता चुकी मैं इसकी जो स्टैम से प्राप्त किए जाते हैं हद कर दिया, आपने बताया था मैंने आपको पहले भी, तो वो ट्रिक थी जिसमें अलग अलग चीज़ें जो थी वो स्टैम से प्राप्त की जाती हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, द पोलिनेशन ऑफ मेज टेक्स प्लेस बाय पोलिनेशन बाय एयर, व्हाई रेडियोलॉजिस्ट डू नॉट टेक डायरेक्ट एक्सरे फोटोग्राफ ऑफ इंटेस्टाइन, रीजन क्या है, एक्सरे आर नॉट एबल टू कैप्चर क्लियर पिक्चर, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओके क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी ये रहा, एक्सोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक्सोबायोलॉजी लाइफ इन अदर प्लेनेट एंड स्पेस, क्वेश्चन पूछते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ इन अदर प्लेनेट्स एंड स्पेसेस अकॉर्ड, तो वो होता है एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, आगे देखिए, एनिमल्स डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम विच अनेबल देम टू मेक यूज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम, तो राइट आंसर हो जाएगा फैट। ठीक है, ए क्लोन इज ए कॉलोनी ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, द पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स आर रफ एंड स्टिकी, द डिजीज कॉज्ड बाय एस्बेस्टस इज, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एम्फिसिमा, फर्स्ट ऑप्शन।
इन द आई कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉर्न्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप इन प्रोसेसिंग टी लीव्स. जो मतलब इम्पोर्टेंट स्टेप नहीं है तो वो है फर्मेंटिंग. ठीक है. डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर. वाटर की कमी से होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड. ईगल, पिकॉक और ऑप्शन है यहाँ पे ऑस्ट्रिच और कीवी. तो लार्जेस्ट लिविंग बर्ड सबको पता होता है कौन है. ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग. इन द केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज एम्बायो इज प्लेस्ड इन यूट्रस आफ्टर 2 मंथ्स. सी ऑप्शन. द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स. तो किससे डिटरमाइन करते हैं. रिंग्स के द्वारा. तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रोथ रिंग्स. किडनी डिजीज इन मैन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूटेंट. किस पोल्यूटेंट से होता है. कैडमियम के द्वारा. फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट आर फाउंड अंडर ग्राउंड. ग्राउंड नट. ठीक है. ए रेयर एंड इनडेंजर्ड एनिमल इन साइलेंट वैली इज लायन टेल्ड मास्क्यू. ठीक है. मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अकर्स इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट. एड्स वायरस हैज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. ठीक है. ए ब्रीथ टेस्ट यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग बिकॉज पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड. फर्स्ट ऑप्शन. ओके चलिए नेक्स्ट देखिए. एंग्लो न्यूबियन इज ए ब्रीड ऑफ. तो किसकी है ये. ये है गोट की. ठीक है. गोट की नस्ल है बकरी की. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट काइंड ऑफ सोयल इज ट्रीटेड विद जिप्सम टू मेक इट सूटेबल फॉर क्रॉपिंग. तो राइट आंसर हो जाएगा अल्कालाइन. टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल रिसिपिएंट. मतलब जो सिर्फ ले सकता है सबसे वो कौन सा है. ए बी ब्लड ग्रुप. और यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है. ओ ब्लड ग्रुप. रोड शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड. तो राइट आंसर हो जाएगा बेसिलस. द एनिमल विच हैज बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली इन इंडिया हैपेंस टू बी. तो राइट आंसर होगा चीता. ऑल द प्रोग्नी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल प्लांट बाई वेजिटेटिव प्रोपिगेशन आर कॉल्ड क्लोन्स. फर्स्ट ऑप्शन. वट इज ए स्पॉन्जी. स्पॉन्जी क्या है. एन एनिमल. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप मे बी प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन ऑफ ए ग्रुप. चिल्ड्रन ऑफ ए कपल हैविंग ब्लड ग्रुप ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. ओके कोई कपल है ए और बी ब्लड ग्रुप है जिसका तो उसके बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा ये पूछा है. तो राइट आंसर हो जाएगा ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है. ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है. तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा. चार हो सकते हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए वायरस. जो वायरस से होती है पोलियोमाइलिटिस. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन बी वन. विटामिन बी वन का केमिकल नेम क्या है. थायमिन है. ठीक. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ट्रू बताना है कि इसमें से ट्रू कौन सा है. तो राइट आंसर हो जाएगा डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट ऑप्शन. ठीक. आगे है पैथोजेनिक बैक्टीरिया सीक्रेट एंटीजन्स. ठीक है. वेयर इज द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर. तो ये कहां पर है. ये है कोलकाता में. बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर पाथ ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलप ट्रीटमेंट अगेंस्ट पार्किंसन डिजीज. तो राइट आंसर हो जाएगा अरविंद कार्लसन. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज रीच इन आयरन. जिसमें आयरन हो तो वो है एप्पल. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. हु डिस्कवर्ड कोलेरा जर्म्स.
किसने डिस्कवर किया था कोलेरा जर्म्स को? रॉबर्ट कोच ने, फर्स्ट ऑप्शन। स्वेटेक्स यूज्ड बाय द डायबिटीज डायबिटिक पेशेंट हैज एनर्जी कंटेंट ऑफ 0 कैलोरीज, ठीक है। द एलिमेंट विच इज द मोस्ट अबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन लाइब्रेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम वॉटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टेक्नोलॉजी मिशन, तो राइट आंसर हो जाएगा वेजिटेबल। ओके, हु डिस्कवर्ड सेक्स हॉर्मोन इज इन स्टेनिच, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फर्मेंटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय एंजाइम्स। वट आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच ह्यूमन स्पेयर पार्ट्स कैन बी क्रिएटेड, तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेम सेल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। अडहेरेंट म्यूसॉइड एल्कालाइन सब्सटेंस कवरिंग द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज टू प्रिवेंट द एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑफ मुकोसा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। द एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग सेंसिटिव टू बिटरनेस इज रेस्ट्रिक्टेड टू पोस्टीरियर पार्ट। एमिनोसेंटेसिस इज ए मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फिटल हेल्थ कंडीशन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द लाइब्रेटेड गैस इज ऑक्सीजन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज कंपल्सरी फॉर ए ब्लड कोगुलेशन, तो कौन सा चाहिए कंपल्सरी है? प्लेटलेट्स। विच वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा था? पेंसिलिन। वायरस कंटेन प्रोटीन एंड लिपिड बाय विच द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बिफोर बर्थ, मतलब जन्म से पहले ही, तो राइट आंसर हो जाएगा फोइटस ऑफ मदर। व्हाट मे बी द कॉज ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, कारण क्या है? तो क्या कारण है? आयोडीन डेफिशिएंसी, हाउ मेनी फीट हैज ए क्रैब गॉट, कितने फीट होते हैं? तो 8, 4 पेयर्स, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन वुमेन, तो जो सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है, ओवरी, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ किडनी, जो किडनी का फंक्शन नहीं है, तो जो किडनी का फंक्शन नहीं है वो है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। कौन कौन से हैं? रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, ये तीनों फंक्शन हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ये किडनी का फंक्शन नहीं है, ठीक है। वॉटर इन प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम, ओके। वेयर आर द यूकेलिप्टस ट्रीज फाउंड इन अबंडेंस, जहां पे ज्यादा उसमें पाए जाते हैं, तो नीलगिरी हिल्स पर। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन इज रिलीज इन एक्सेस क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। क्लोव द कॉमनली यूज स्पाई इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम द, किससे ऑप्टेन किया जाता है क्लोव को? फ्लावर बर्ड से, डी ऑप्शन। वट आर द ब्लड कॉर्पसेल्स दैट हेल्प्स टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज, तो राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइट्स, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द ग्लैंड दैट होल्ड द बॉडी थर्मोस्टैट, तो राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस होल्ड द बॉडी थर्मोस्टैट। वट इज द क्रोमोसोम नंबर इन ए ह्यूमन ओवम? 46, ठीक है। हरीश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज, ओके एक मिनट, हैशीश लिखा है, हैशीश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए प्लांट, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इट ऑब्टेन्ड, तो राइट आंसर हो जाएगा एक्सुडेट फ्रॉम लीव्स एंड फीमेल इनफ्लोरोसेंस, सी ऑप्शन। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट, तो राइट आंसर हार्ट।
प्रेजेंस ऑफ व्हाट डिस्टिंग्शन ए प्लांट सेल फ्रॉम एन एनिमल सेल, मतलब क्या जो है उनमें डिफरेंस होता है, अलग करती है उन्हें प्लांट सेल को एनिमल सेल से। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग शेल्टर हेल्थ एंड ब्रीडिंग टू द डोमेस्टिक एनिमल इज कॉल्ड वेटनरी साइंस। बी ऑप्शन। एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विद स्मॉल पॉक्स। ए प्लांट विद कंपाउंड लीव्स इज कोकोनट। ठीक, नेक्स्ट देखिए। द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड अबाउट ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज विलियम हार्वे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम, जो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है वो है इंसुलिन। पेप्सिन, रेनिन और एमाइलोपसिन जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, इंसुलिन नहीं है। ठीक है। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन। इन ए ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज इन द थाई में होती है, फीमर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स हैज द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन, तो किसमें होता है ज्यादा प्रोटीन, सोयाबीन में होता है। वेयर डिड द न्यू फॉर्म ऑफ निमोनिया सार्स स्टार्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चाइना। ठीक है, आगे देखिए। द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेट इन ए ह्यूमन बींग्स इज, तो कितने होते हैं 33 वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट ऑन द एवरेज व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो राइट आंसर हो जाएगा 65%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। बीसीजी वैक्सीनेशन इज टू बी गिवन टू ए न्यू बॉर्न चाइल्ड विद इन 48 आवर्स। द हाइब्रिड बिटवीन हॉर्स एंड डोंकी इज कॉल्ड म्यूल। सी ऑप्शन। ग्लूकोमा इज ए डिजीज ऑफ द, ग्लूकोमा किस से रिलेटेड होती है, आईज से। ठीक है। द केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगाई इन वॉटर टैंक इज कॉपर सल्फेट। ह्यूमन किडनी डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ कैडमियम। डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। अमंग द फॉलोइंग एनालाइज डीएनए फॉर द फर्स्ट टाइम, तो डीएनए को किसने एनालाइज किया फर्स्ट टाइम, वॉटसन एंड क्रीक ने। विच अमंग द फॉलोइंग बियर्स स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, बैक्टीरियम। यामनिंग अकर्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ड्यू टू एक्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ सीओ टू इन ब्लड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग लिविंग बींग हैज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट डज नॉट हैव ब्रेन, मतलब कौन सा लिविंग बींग है जिसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है बट ब्रेन नहीं होता है, तो ये है स्टार फिश। ठीक है। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन, तो विटामिन के। ए सब्सटांस दैट स्टीमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज वैन इंट्रोड्यूस इन टू ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एंटीजन। डार्विन फिंचेज रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स। द टिश्यू इन मैन वी हैव नो सेल डिविजन अकर आफ्टर बर्थ इज नर्वस। ओके सॉरी, नर्वस बी। ठीक है। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज वॉटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद टीथ डिसऑर्डर, फ्लोरिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूराइन, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है यूराइन का, क्या होता है, किटोन बॉडीज, नहीं सॉरी नहीं 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 हाँ किटोन बॉडीज नहीं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। द विटामिन विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज विटामिन के। एट वेरी हाई एल्टीट्यूड द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स इन द ह्यूमन बॉडी विल इंक्रीज इन साइज। ए टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स फर्टिलाइजेशन इन विट्रो एंड देन ट्रांसप्लांटेशन इन द यूट्रस। द मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन इज
जिंक। राउंड वॉर्म इज ए ह्यूमन पैरासाइट फाउंड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12? B12 जिसमें पाया जाता है वो है मिल्क। वॉट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी? नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताने हैं, कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जीरो जीरोथैल्मिया इज अ डेफिशियंसी डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन ए। आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड विच इज रेफर्ड टू एज द मास्टर ग्लैंड? तो मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी को। वट इज एन एंटीबायोटिक? ए सिंथेटिक कंपाउंड इनहेबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज ग्लाइकोजन। विच वॉज द फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड इन प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म? अमाइलेज। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज हेल्प्ड बाय एंजाइम। विच इज द ऑर्गन दैट एक्सक्रीट्स वाटर फैट एंड वेरियस कैटाबोलिक वेस्ट? तो राइट आंसर किडनी। ठीक है, आगे है। द एनिमल विच यूजेस साउंड एज इट्स आइज इज बैट। प्रेग्नेंट वुमेन यूजली बिकम डेफिशियंट इन कैल्शियम एंड आयरन। विच कॉम्पोनेंट ऑफ लाइट एरिया एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल? वॉयलेट एंड रेड। जिंजर इज ए स्टेम एंड नॉट ए रूट बिकॉज इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। सी ऑप्शन। आइज ऑफ पोटैटो आर यूजफुल फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। टेनिया सोडियम टेप वॉर्म लीव्स एज ए पैरासाइट इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड वुमेन। सी एन आंट कैन सी द ऑब्जेक्ट ऑल अराउंड इट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड आइज। वॉट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए हार्ट बीट? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम द सी? तो आयोडीन, आयोडीन ऑप्टेन करते हैं सी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ क्लोरोफिल? जो क्लोरोफिल का कॉम्पोनेंट नहीं है वो है कैल्शियम। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड? लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑस्ट्रिच। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली हॉर्मोन इज नॉट फाउंड? जिसमें हॉर्मोन्स नहीं पाए जाते हैं, क्या है? कैट। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कोलेस्ट्रॉल? HDL। ठीक है, थैलेसीमिया इज ए हेरिडिटी डिजीज, इट अफेक्ट ब्लड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए फूड चेन इन्वॉल्विंग ए प्रोड्यूसर, ए वेजिटेरियन एंड ए नॉन वेजिटेरियन? प्रोड्यूसर है, फिर वेजिटेरियन है और फिर नॉन वेजिटेरियन। फूड चेन बतानी है इसमें से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्लांट, रैबिट और टाइगर, बी ऑप्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक द स्किन लेयर इम्परविस ऑफ वाटर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैरेटीन। यस, कैरेटीन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन, कैरेटीन। टू रिचेस्ट नोन सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन्स आर सोयाबीन एंड ग्राउंड नट। विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स हैज बीन फाउंड यूजफुल टू चेक वाटर पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एफ्यूलुएंट? तो राइट आंसर हो जाएगा वाटर हाइसिनिथ। चलिए आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज को रिलेटेड विद ब्लड प्रेशर? एड्रीनल। Which of the following structure present in mammalian skin directly help in keeping the body warm? The right answer, lymph vessels. Which from the following disease usually spread through milk?
ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट देखिए, विच आर द लार्जेस्ट फिक्सेटर ऑफ सोलर एनर्जी ग्रीन प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टिश्यू कल्चर, साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम। स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज कॉल्ड, तो राइट आंसर हो जाएगा एग्रोनॉमी, बी ऑप्शन। ठीक है, कैरेट इज ऑरेंज इन कलर बिकॉज इट कंटेन्स कैरोटीन। सिलेक्ट द बायो फर्टिलाइजर इन द फॉलोइंग एल्गाई एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई। फुल फॉर्म ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज सार्स इज, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीज आर कॉल्ड वेक्टर। कैमल इज ए डेजर्ट एनिमल दैट कैन लीव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज बिकॉज इट डज नॉट नीड वाटर। वाटर इज फॉर्म्ड इन द बॉडी ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। इट हैज द वाटर सैक इन द वॉल ऑफ द ल्यूमिनिन स्टमक। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दीज कॉम्पोनेंट ऑफ ए ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग, तो राइट आंसर है प्लेटलेट्स। फाउंडर ऑफ होम्योपैथी इज सैमुअल हेनमैन। डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पेरेंथोजेनेसिस, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके मैच करना है, सिम्टम्स हैं और कॉज दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए एनीमिया, एनीमिया किससे होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन है। वेट देखिए, एनीमिया बी का क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नहीं एक मिनट, एक नहीं 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 एनीमिया, हाँ अभी देखिए, वीक साइट किससे होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ठीक है, एनीमिया हो गया डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, स्किन प्रॉब्लम होती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्स ये विटामिन डी, कैल्शियम की कमी। ठीक है, कैल्शियम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस यूज ऑन पेशेंट विद अफेक्टेड किडनीज द फिनोमिना इन्वॉल्व इज ऑस्मोसिस। What is the normal blood sugar level of a human being? 120-150 mg/dL. Literal meaning of the term Homo sapiens is man the wise. First, ठीक है, during photosynthesis in plants the gas evolved is oxygen. The seeds of certain plants fail to germinate if they do not pass through the digestive tract of fruit eating birds. This is due to seed coat impermeability. Okay, next is sucrose content in sugar cane decrease if frost occur during the period of ripening, B option. Next, the concept of survival of the fittest was first advocated by Darwin. Deficiency of vitamin D in children cause rickets. In man, the normal number of chromosome is 46. Scurvy is a disease which is caused due to the deficiency of vitamin C. Respiration is oxidation. During photosynthesis, green plants absorb carbon dioxide. Tamiflu is a frontline drug against bird flu. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, why excessive heating, repeated use of cooking oil are most undesirable? तो राइट आंसर हो जाएगा कैरसिनोजेनिक सब्सटेंस लाइक बेंजीपिरिन आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन्ड शिप वॉज डोली। थ्रू फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स जनरेट ऑर्गेनिक मटेरियल्स। LAC, लैक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन इंसेक्ट। क्वारंटाइन रेगुलेशन इज कंसर्न्ड विद
प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ डिजीज ऑर्गेनिज्म, बी ऑप्शन। टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ पॉइजन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन इज रिलीज इन एक्सेस क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनलाइन। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉइजनियस ऑफ स्नेक। जो नॉन पॉइजनियस है स्नेक, तो वो है पाइथन। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, पेंसिलिन। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फर्स्ट हाईली अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन, तो स्किन। ऑलिव रिडले इज ए फेमस टर्टल स्पीसीज। द स्टैंडर्ड ऑडिबल कैपेसिटी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बींग एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज इन द रेंज ऑफ, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 to 10 decibels। ठीक है। जोनस साल्क इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर पोलियो। कैंसर इज ए डिजीज वेयर वी फाइंड अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन। लैक विच इज यूज एज ए सीलिंग वैक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट। ट्रिपल वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू ए न्यू बोर्न चाइल्ड टू इम्यूनाइज इट अगेंस्ट वूपिंग कॉफ टैटनस एंड डिप्थीरिया, बी ऑप्शन। ठीक है। ओके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सॉरी ये रहा। एन एंटीबायोटिक इज, एंटीबायोटिक क्या है? ए केमिकल सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट एन एक्स अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, तो विटामिन के, डी ऑप्शन। फ्लूड पार्ट ऑफ ब्लड डिवॉइड ऑफ कॉर्पसेल्स इज कॉल्ड सीरम। हर्ट मुरमुर इंडिकेट्स ए डिफेक्टिव वॉल्व, डिफेक्टिव। The language used in writing the scientific name of animal is Latin. Ripe grapes contain fructose. MRI stands for, तो right answer हो जाएगा magnetic resonance imaging, B. The science dealing with the study of teeth is odontology, first. ठीक है। Okay, next देखिए, the enzyme in whose presence glucose and fructose are converted into alcohol is zymase. The study of visceral organs is splanchnology. ठीक है। The branch of biology dealing with the study of cell is known as cytology. The study of extinct animal is called paleontology. The medical term used for the sleeplessness is, तो कौन सी term use करते हैं? Insomnia. The causative agent of tuberculosis is mycobacterium. The enzyme that is present in the saliva of man is amylase. Blood cancer either is otherwise called as leukemia. ठीक है। अगला है रेडियो इम्यूनोलॉजी, RIA इज ए थेरेपी यूज टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज एंड हॉर्मोन प्रेजेंट इन द ब्लड सैंपल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्नेक, जो इसमें स्नेक नहीं है, तो वो है ग्लास स्नेक। ठीक है, फर्स्ट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग सेट बिलोंग्स टू द क्लास मेमेलिया, तो वेल बैट, कांगारू और हिपोपोटेमस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर बिलोंग्स टू कार्टिलेगिनियस फिश, तो राइट आंसर हो जाएगा शार्क एंड रे, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो स्केलेटन एट ऑल, सिल्वर फिश। वट इज एन एंडोस्कोप, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी इन साइड द एलिमेंट्री केनाल। द एज ऑफ ए ट्री कैन बी डिटरमाइंड मोर और लेस एक्यूरेटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स इन द ट्रंक। Of all microorganisms, the most adaptable and versatile are viruses. ठीक है। The disease which our sugar level of blood increase is known as diabetes mellitus.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, तो जो मॉस्किटो से नहीं होती है वो है स्लीपिंग सिकनेस, सी ऑप्शन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट बर्ड, तो ऑस्ट्रिच। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, किसे कहा जाता है, अर्थवॉर्म को। द टर्म जीन वॉज क्वाइंड बाय डब्ल्यू एल जॉनसन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर्स हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स, स्नेक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, प्रोटीन। स्टडी ऑफ न्यूली बोर्न अप टू द एज ऑफ 3 मंथ इज कॉल्ड, इसमें से कोई कुछ भी नहीं कहते हैं, इसे कहा जाता है नियनोथोलॉजी। ठीक है, नियनोटोलॉजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सीक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, तो राइट आंसर हो जाएगा लीवर। ओके, आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सिल्वी कल्चर, तो फॉरेस्ट क्रॉप्स। ठीक है, द टर्म जीएम फूड रेफर्स टू द फूड दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिश, जो इसमें से फिश है तो वो है डॉग फिश। द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज प्रोड्यूस्ड बाय मेलेनिन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड विया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टाइफाइड। फ्लैट फुटेड कैमल कैन वॉक इजीली इन सैंडी डेजर्ट बिकॉज, रीजन क्या है, बिकॉज प्रेशर ऑन द सैंड इज डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट प्रोडक्ट, जो इसमें से प्लांट प्रोडक्ट नहीं है तो वो है सेक्रेन, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच इज द एंटी कोगुलेंट सब्सटांस इन ब्लड, हेप्रिन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स एनिमल बियर नो टीथ, तो राइट आंसर हो जाएगा पिकॉक, ऑस्ट्रिक, टोरोटॉइज। जॉन्डिस इज ए सिम्टम ऑफ डिजीज ऑफ लीवर। द वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड जर्म्स। डेफिशियंसी ऑफ विटामिन बी सिक्स इन मैन कॉज एनीमिया। फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वॉज डन बाय सी एन बर्नार्ड इन 1967। वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल रिमूव्स द विटामिन सी। ए मैन विद कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज ग्रीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12 इज कोबाल्ट। अकॉर्डिंग टू WHO, द बर्ड फ्लू वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू फूड कुक्ड बियॉन्ड 70 डिग्री सेल्सियस। The number of chambers in a human heart is 4 chambers. In universal receipt belong to the blood group AB. ठीक है, the vitamin that helps in blood clotting is vitamin K. Which of the following is a perfect match? तो जो इसमें से perfect match है वो है hypotension, heart attack. ठीक है, which of the following is correct about cold-blooded animals? Their body temperature changes in accordance with their atmosphere. If the blood group of one parent is AB and that of other O, of the other O, the possible blood, मतलब एक parents की बात हो रही है, एक का blood group AB है, दूसरे का O है, तो possible blood groups क्या हो सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से possible बनेगा A और B, या तो A या तो B. ठीक है, next देखें, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, कितनी बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, तो राइट आंसर हो जाएगा 206, 206. डायनासोर वर रेप्टाइल्स दैट बिकेम एक्सटिंक्ट, डी ऑप्शन। स्वेट ग्लैंड इन मैमल्स आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद थर्मोरेगुलेशन। द विटामिन दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, ओके, द नॉर्मल आरबीसी काउंट इन एडल्ट मेल इज 0 मिलियन, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर,
फ्रुक्टोज. द एच फाइव एन वन वायरस विच कॉज बर्ड फ्लू वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1997. टेटनस इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम. विटामिन ई इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर. विटामिन ई जो है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सेक्स ग्लैंड्स, सी ऑप्शन. बर्ड्स यूजली हैव ए सिंगल ओवरी. ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय एड्रीनल ग्लैंड. द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एयर दैट वी एक्सहेल इज अबाउट 4%. मैक्सिमम हार्म टू ए ट्री इज कॉज्ड बाय लॉस ऑफ ऑल लीव्स. आगे है मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम. विच ऑफ द पार्ट ऑफ टंग बियर सेल फॉर सोर टेस्ट. सोर टेस्ट के लिए तो कौन सी होती है? साइड्स. ठीक है, 256 का सी. द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज बेरी बेरी. इन विच वर्टिब्रेट ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड गैट मिक्सड. तो राइट आंसर हो जाएगा एम्फीबियन. ठीक है, आगे देखिए. द लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज ग्लूकोस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज इन मैन? मम्स फर्स्ट ऑप्शन. द एक्सपेंशन ऑफ एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम, सी ऑप्शन. बी कीपिंग इज नोन एज एपिकल्चर. एच वाई वी रेफर्स टू. एच वाई वी ये है हाई यील्डिंग वेराइटी, सी ऑप्शन. अमंग द डिफेक्ट ऑफ आई द शॉर्ट साइटेडनेस इज कॉल्ड मायोपिया. ठीक है, निकट दृष्टि दोष को. ह्यूमन क्लोनिंग इज परमिटेड इन ब्रिटेन फॉर द पर्पज ऑफ थेराप्यूटिक्स. पिक आउट द वायरल डिजीज अमंग द फॉलोइंग. तो राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस. डोली द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन्ड एलिमन एनिमल वॉज ए शिप थी, शीप. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है. वेजिटेबल्स आर इजीली परशिएबल बिकॉज ऑफ देयर हाई कंटेंट ऑफ शुगर. नहीं, वॉटर, सॉरी वॉटर, बी ऑप्शन. नेक्स्ट है, एनीमिया अकर्स ड्यू टू द डेफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फॉर ए हेल्दी हार्ट वन नीड्स टू टेक ए बैलेंस डाइट, एडिक्वेट स्लीप एंड डू राइट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. एड्स इज ए. एड्स क्या है? वायरल डिजीज है. एमोबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय एंटा अमीबा हिस्टोलिटिक. ठीक है, डीएनए टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक. An ECG shows the functioning of the heart. Which of the following is correct? जो इसमें correct है वो बताना है. तो AIDS cause anogenital genital warts. ठीक है, आगे देखिए. If the radius of a blood vessel of a person decrease, his her blood pressure will increase. Cell or tissue death within a living body is called as necrosis. Insufficient blood supply in human body is referred as ischemia. Deep fried food material are carcinogenic because they are rich in hydrocarbons. The toxicity of which of the following heavy metals leads to liver cirrhosis? Right answer ho jayega copper. Typhoid is caused by Salmonella typhi. BCG immunization is for tuberculosis. Beside carbohydrate, a major source of energy in our food is constituted by fats. ठीक है, चलिए अगला है. The limb bone of children becomes bent if there is deficiency of vitamin D, C option. A medicine which promotes the secretion of urine is called diuretic, C option. ठीक है, the chemical released by one species of animals
इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज आर फिरोमोन्स। ठीक है, जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ लीवर। द एवरेज हार्ट बीट रेट पर मिनट इन ए नॉर्मल पर्सन इज 72। ईईसी रिकॉर्ड आर द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। द कलर ऑफ काउज मिल्क इज लाइटली येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। विच वन ऑफ दीज इज ए कम्युनिसेबल डिजीज, तो डिप्थीरिया। ठीक है, आगे देखिए, द कंसेंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज इन एनीमिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हीमोग्लोबिन जो है यहाँ पे सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजली स्प्रेड थ्रू एयर, ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड थ्रू एयर। ओके, सीरियल्स आर रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। रेस्पिरेशन प्रोसेस रिक्वायर्स ऑक्सीजन। ए विटामिन रिक्वायर कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, द विटामिन इज विटामिन B12। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 300। वॉट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। विनेगर का केमिकल नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, एनिमल्स लिविंग इन द थ्री ट्रंक्स आर नोन एज एर्बोरियल। वट हैपन्स टू ए पर्सन हु रिसीव द रोंग टाइप ऑफ ब्लड, तो क्या होता है, द आरबीसी एग्यूलिटिनेट। रिंग वॉर्म इज ए डिजीज, फंगल। ठीक है, आगे है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द बेस ऑफ द ब्रेन। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज क्लोव द कॉमनली यूज स्पाइस ऑब्टेन्ड, तो कहां से ऑब्टेन किया जाता है, फ्लावर बड से। च्युइंगम इज मेड फ्रॉम लेटेक्स। द ब्रेन ऑफ ह्यूमन एडल्ट वेट अबाउट 1200 to 300 ग्राम। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन मैन इज कितनी होती है, 206 होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक किल्ड फॉर इट्स ब्यूटिफुल स्किन हैज बीन डिक्लेयर्ड एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, रसल वाइपर। द कलर ऑफ द आई डिपेंड ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन आयरिस। द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी इन द डार्क इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्पल पिगमेंट नोन एज रेटिनी। द विटामिन मोस्ट रेडिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट इज एस्कॉर्बिक एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैक्सीन, जो वैक्सीन नहीं है वो है प्रोजेस्ट्रॉन, बीसीजी, एंटी रेबीज, पोलियो वैक्सीन, ये वैक्सीन है, प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है। द डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय वायरस इज, तो जो वायरस से होता है वो कौन सा है, कॉमन कॉल्ड। द लोकोमोटोरी ऑर्गन ऑफ अमीबा इज पस्यूडोपोडिया। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन बींग्स आर 46। रिपीट हो गया बार बार। ओके, नेक्स्ट, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, बीपी किससे जो है मेजर करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा स्पिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, द टर्म आरएच फैक्टर रेफर्स टू रिसेस फैक्टर्स। द डिस्कवर ऑफ पेनिसिलिन वॉज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 370 ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय, तो राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर। द एनिमल विच कैन टॉलरेट मोर समर हीट इज गॉट। अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जोंग नेक इन जिराफ अरोज बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट अटेम्प्ट टू रीच लीव्स ऑन टॉल ट्री जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिकेटस इज द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी इन विच द अफेक्टेड पार्ट इज द, अफेक्टेड पार्ट कौन सा होता है, बोन्स होती है। द ड्राइड फ्लावर बर्ड्स आर यूज एज स्पीस स्पाइस इन, मतलब किस उसमें होता है, क्लॉस प्राप्त किया जाता है उससे। द टिश्यू इन मैन वी हैव नो सेल डिविजन अकर्स आफ्टर बर्थ इज नर्वस। डीएनए फिंगरप्रिंट इज यूज टू आइडेंटिफाई द पेरेंट्स रेपिस्ट थीव्स, ऑल द अबव। द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन बॉडी
इज 180 to 200 mg. एक मिनट, नहीं, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ओके, 180 to 200. विच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स? वेल्स. ओके, सिरिंक्स इज द वॉइस बॉक्स इन बर्ड्स. इन ए फूड चेन द सोलर एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इज 1%. सी ऑप्शन. विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ? ऑस्ट्रिच. 383 इन कोरिएंडर द यूजफुल पार्ट आर, ओके, ऐसे लिखा हुआ है. इन कोरिएंडर द यूजफुल पार्ट आर लीव्स एंड ड्राइड फ्रूट. सी ऑप्शन. ठीक है. ओके, नेक्स्ट है, विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर? तो ये किसको कहा जाता है, हर्बल इंडियन डॉक्टर? आंवला को. आंवला, आंवला, सॉरी, आंवला के लिए. द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, कितना होता है ह्यूमन ब्लड का पीएच? 4 होता है. विच अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट एंडोसिराइन ग्लैंड इन द बॉडी? थायराइड ग्लैंड. विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल? व्हेल. विच पार्ट बिकम्स मॉडिफाइड एज द टस्क ऑफ एलिफेंट? सेकेंड इंसिजर. ठीक है. द नोबल गैस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज रेडॉन. बीटी सीड इज एसोसिएटेड विद कॉटन. बार्क ऑफ दिस ट्री इज यूज एज ए कॉन्डिमेंट? सिनेमन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉलेस्ट बर्ड? जो स्मॉलेस्ट बर्ड होता है वो कौन सा है? हमिंग बर्ड. ठीक है, सी ऑप्शन. व्हाइट लंग डिजीज इज प्रीवलेंट अमंग द वर्कर्स ऑफ पेपर इंडस्ट्री. आयोडोफॉर्म इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक. सी ऑप्शन. द ऑप्टिमम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज 4 to 6. एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट इज, फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल कौन सा है? एप्पल. नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल पर 100 ml ऑफ ब्लड इन मैन इज 80 to 100 mg. द वैक्टर ऑफ डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इज टेस्टिस फ्लाई. फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव द डायनासोर बीन एक्सटिंक्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा अबाउट 65 million ईयर्स. विच फिनोमिना डू बैट्स और डॉल्फिन यूज टू फाइंड प्रे, प्रीडेटर्स और ऑब्स्टेकल्स? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इको लोकेशन. नेक्स्ट है, द टोलेस्ट एंड थिकेस्ट टाइप ऑफ ग्रास इज, तो राइट आंसर हो जाएगा बैम्बू. द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द बर्ड्स फ्रॉम फ्लाइंग इज कॉल्ड ब्रेलिंग. ठीक है, नेक्स्ट है, वीनस सीन इन द लीव्स सर्व द फंक्शन ऑफ कंडक्शन. डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा. द एडिबल पार्ट ऑफ कैबेज इज वेजिटेटिव बड. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर एसोसिएटेड विद प्लांट्स ड्यूरिंग डार्क पीरियड? तो राइट आंसर होगा कंडक्शन एंड रेस्पिरेशन. गाइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. फर्स्ट ऑप्शन. द टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व प्रेजेंट इन इंडिया इज 10. ठीक है. द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. द एडिबल पार्ट ऑफ एन ऑनियन इज, एडिबल पार्ट कौन सा होता है ऑनियन का? फ्लैशी लीव्स. डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच ग्रुप ऑफ ब्लड एंड यूनिवर्सल रिसिपियंट बिलोंग्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी ग्रुप. नेक्स्ट है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा. ओके, आगे है, कोलम लिविया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, तो राइट आंसर होगा पीजन. फर्स्ट ऑप्शन. बोन्स आर न्यूमेटिक इन बर्ड्स. डी ऑप्शन. एन इंसेक्ट कैचिंग प्लांट इज निपेंथेस. द मेथड नॉट यूज एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल इज यूज ऑफ पेस्टिसाइड. विजडम टीथ इज द थर्ड मोलर टीथ. सी ऑप्शन सही हो जाएगा. द टस्क ऑफ एलिमेंट इज एन एनॉर्मसली इनलार्ज्ड अपर इंसिजर.
फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ओके। नेक्स्ट देखिए, सकरवी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, डी ऑप्शन। मेल मॉस्किटो फीड ऑन नेक्टर ऑफ फ्लावर। ग्रोथ ऑफ द बेबी इन द यूट्रस इज फाउंड यूजिंग अल्ट्रासाउंड। बिसाइड ईयर ऑसिल्स द कैविटी ऑफ द मिडल ईयर इन ह्यूमन कंटेन्स एयर। The percentage of water content in the human blood plasma normally varies from 91 to 92. Sodium pump operate in nerve impulse, C option. The element which is rich in most leafy vegetables is iron. Polio is caused by virus. The function of pacemaker is, function kya hai pacemaker ka? Initiation of heartbeat, C option. The best method of disposal of garbage is landfilling. In scorpion, poison is present in the sting. What is the common in AIDS mumps and poliomyelitis? Kya common hai? So these are caused by viruses, C option. Which enzyme convert proteins to trypsin? Next है, the deficiency of iron in man result in anemia. Protein which renders a cell less susceptible to attack by virus is called interferon, D option. ठीक है, hemophilia is mostly associated with royal families. Approximately how many time each day do our heart valves open and close? नॉर्मली तो राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 384, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए मैन इज, तो 80/120 mmHg। सुगर केन प्लांट्स आर यूजली प्रोपागेटेड बाय वेजिटेटिव मीन्स बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। The pigment involved in photosynthetic activity is chlorophyll. Free living nitrogen fixing microorganism are rhizobia. Vegetable oil are converted into solid fat by hydrogenation. A drug which help in controlling fever is paracetamol. Identify the correct statement with respect to biogas. तो राइट आंसर हो जाएगा गैस प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास। एज पार्टेम इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट एज ए स्वेटनिंग एजेंट। इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ पेप्टाइड्स। ठीक, आगे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर सिक्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री इन रिगार्ड टू इट्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स ग्लैंड टू द साइट ऑफ एक्शन। जो इसमें डिफरेंट है वो बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा बाइल। आगे है हीमोग्लोबिन इज ए, ओके सॉरी क्वेश्चन ही कट हो रखा है इसमें, ये रहा यहाँ पे ऑप्शन। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन है प्रोटीन, ठीक है। बर्ड्स यूजुअली हैव ए सिंगल, बर्ड्स के पास यूजली क्या होता है? सिंगल ओवरी, डी ऑप्शन। इसका ऑप्शन यही रहा है यहाँ पे, ओके। आगे है एल्फा, एल्फा इज द नेम ऑफ ए काइंड ऑफ, किसका नाम होता है? क्रॉप का, ठीक है। विच सेल्स इन आवर बॉडी हैव द लीस्ट रीजेनरेटिव पावर? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रेन सेल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? तो मलेरिया क्लोरोक्वीन। द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एयर दैट वी एक्सहेल इज अबाउट 4%। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय adrenal gland. The total number of carbons is 6. तो ये थे biology से related important 400 questions जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए थे, okay? किसी questions में doubt है तो आप comment कर सकते हैं, और जो भी video देखे please एक बार comment section जरूर check करें, कुछ भी अगर mistake होगी तो वहाँ पे correct कर दी जाएगी। Thank you so much, अच्छी लगे video तो please like कर दीजिएगा।